वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त हूँ मैं अपने नए वाले घर में, क्योंकि हम सब इस घर से इस घर शिफ्ट हो गए हैं, बिकॉज कल है शेकी का संगीत 21st को तिलक है और आज है 20th, तो हम सब यहाँ आ गए हैं। और क्योंकि तिलक यहीं से जाएगा, पूजा जो भी होती है तिलक के पहले तिलक निकलता है जब घर से, तो सारी पूजा यहीं होती है, तो हम यहाँ सब आ गए हैं। एंड 24th का है इसका संगीत, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तिलक के। सारा कुछ मैं इस व्लॉग में कवर अप करूंगी, तिलक निकासी प्लस संगीत प्रिपरेशन सारी चीज़। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आ रहा हो देखने में। और मेरी मम्मी भी है क्या यहाँ पे? ये देखो शेकी के सूटकेस की तैयारी चल रही है यहाँ पे। ये शेकी बैठी है, दीदी और मम्मी, तो ये है सूटकेस की तैयारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इस वक्त हूँ अपने नए वाले घर में, और यहाँ पे शेकी तिलक की तैयारी चल रही है। कल तिलक निकासी है, तो उसकी तैयारी चल रही है, और साथ ही साथ संगीत की तैयारी भी चल रही है। और आज है 20th of February, और अभी बज रहे हैं शाम के सात। और अभी मैं मेरी चाची के साथ जा रही हूँ ब्लाउज कुछ काम से, जो हमेशा एंड टाइम तक चलता ही रहता है। बाकी अभी हम हैं भंडार वाले घर पे, जहाँ पे ये सूटकेस और पेटी की तैयारी चल रही है। तो चलिए आप इसी तरीके से मेरे ब्लॉग के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो। और यहाँ बहुत शो हो रहा है,
मजा। पागल भी हो रहे हैं हम आए हैं अभी संगीत आपने देखा ही होगा कि चाचा चाची बड़े पापा बड़ी मम्मी हम भाई बहन सभी डांस सीख रहे हैं संगीत के लिए और सुबह तुम लोगों को लेने जाना है शैली को सुबह ब्लॉग वाली मेरी पार्टनर है ब्लॉग वाली ब्लॉग वाली हम दोनों मैं और सुजल एक साथ कपल डांस कर रहे हैं यशु पुष्क एक साथ कपल डांस कर रहे हैं तो ये तो 6 बजे लेने जाना है तो शैली को बता दूँ कि प्लीज अगली बार से दूसरी ट्रेन से आए हाँ सुबह वाली ट्रेन आप लोग ना लिया करें हो सकता है कि उसकी छूट जाए कल रिवा पहुंच जाए रिसीव करने वाला होता है उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है और ये लोग सुबह 7 बजे जाएंगे फिर 10 बजे इनकी तिलक निकासी है लोगों तिलक के लिए निकलना है रिवा जाने के चांसेस करना शादी के बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उसकी ट्रेन छूट जाए क्योंकि वो कह रही थी कि मैं तो उठ नहीं पाऊंगी तुम लोग आ जाओ और अभी बज रहे हैं 4 मुझे लगता है कि और वो हमेशा अपना फ्यूचर सोचने लगती है मैं आपको बता दूँ तो हो सकता है वो सोचते सोचते रिवा पहुँच जाए और हम लोग सोते सोते आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ मेरी बहन का कि सुबह 6:30 बजे उसकी ट्रेन थी और वो पूरी रात नहीं सोई ये सोच के कि सुबह की ट्रेन मिस ना हो जाए लेकिन ठीक 6 बजे वो अपने फ्यूचर प्लानिंग करने में इतनी बिजी हो गई थी सोचते सोचते ऐसे पता नहीं ऐसा क्या सोच रही थी 6 बजे कि 6:30 बजे नहीं उठ पाई और उसकी ट्रेन हो गई मिस आप हाँ। सब देख सकते हैं
हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कल हम लोगों को निकलना है और अभी बहुत ज्यादा थक गए हैं तो Someone is going to expose. मैं ट्रेन छुड़वाने माहिर हूँ, लोग मेरे को इशारा कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी बड़ी दीदी की ट्रेन छुड़वाई है और ये दूसरा चांस था मेरा। कोई बात नहीं, लेट कंटिन्यू कंटिन्यू। तो बस यही बात है कि ट्रेन छूट जाएगी और कुछ बात नहीं इससे ज़्यादा। सर ट्रेन छुड़वा देगा कल भी, तो ऐसा सर का कहना है कि कल वो छुड़वा देगा। ये रात में 4 बजे पता नहीं क्या मैसेज कर रहा हो भाई, किससे कर रहा होगा बताइए। सवाल आपके ऊपर है कि सर रात को 4 बजे किससे टेक्स्ट रात कर रहा के है, 4 बजे कोई लड़का किससे बात कर सकता है? किससे बात कर सकता है कोई 4 बजे से हंसते हुए? मैं दोस्तों को इनवाइट कर रहा हूँ अपने। रात में 4 बजे दोस्त को इनवाइट कर रहा है था, बोल रहा है वो। ठीक, कौन है दोस्त ऐसे? तो दिखाइए दोस्त का नाम, दोस्त का नाम दिखाइए सजल। अरे बंद कर यार चेहरा देख के घबराए खुद का चेहरा देख के डरे सजल, दिमाग करना है यार। तो आज हम लोगों के साथ शेकी और बोशी नहीं है क्योंकि शेकी अब उस घर से नहीं आ सकती है, कल तिलक निकासी है, उसके बाद से लड़कियों का बाहर जाना बंद हो जाता है हमारे यहाँ के कल्चर में। तो हम लोग भी कल से वही, सॉरी सॉरी हम लोग भी कल से वही रुकेंगे। तो ये रहा आज का व्लॉग, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना प्लीज। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज सो रहा है तो गुड नाइट। मॉडर्न 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 अदरवाइज स्लीपिंग सो बाय बाय। संस्कारी है, सुबह सुबह शंकर जी को स्नान करा रहा है। वहाँ जा करा दिया, यूज नहीं करा। और ये कुआं से निकला हुआ पानी, फ्रेश वाटर, इसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। रस्सी के दौरान निकाला गया। और ये पता नहीं कहाँ से किसी कटी पतंग आ गई है, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और तिलक निकलने के लिए ये लोग बहुत लेट हो चुके हैं। एक मिनट में अपना मुँह दिखाती हूँ। ये है पीछे लॉन, इसको क्या बोलना चाहिए एक्चुअली कि ये हमारा किचन गार्डन या क्या कह लो, देसी लैंग्वेज में इसको हलो कुआं वाला एरिया बोलते हैं, कुआं, क्योंकि यहाँ बना है कुआं और कुआं में पानी इस वक्त है। कितने के? सजल कह रहा है 38 फीट की कुआं है, ये भयानक पानी है इसमें। ये है यहाँ पे एक नींबू का पेड़ हुआ करता था जिसमें हम लोगों को लगता था भूत आते हैं, तो वो पेड़ ही कटवा दिया गया क्योंकि यहाँ पे रात में बहुत डर लगता है आने में। चमकती हुई धूप, मन के लिए फ्रेश फ्रेश फूल, फ्रेश फ्लावर्स। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं कल के बाद सीधे आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं यहाँ ब्रश करूँगी, उसके चाय मैंने चढ़ा दिए, चाय पीऊँगी, उसके बाद हम लोग इस घर से उस घर के लिए रवानगी और वहीं मैं नहाऊँगी। यहाँ नहीं नहा पाऊँगी बिकॉज यहाँ लेट हो रहा है हम लोगों को बहुत।
निकासी नहीं तिलक निकासी। हेलो दोस्तों, बाय बाय गाइस। शंकर भगवान ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ हम देख रहे थे चाय रहा था बड़ी ऐसी हम पीछे तुम बोलना चाहोगे कुछ? जल्दी बोलो दीदी, कैसे भागते हो? ये तिलक निकल चुका है यहाँ पे।